हेलो, गुड मॉर्निंग आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो ये है बृहस्पतिवार का दिन। तो सुबह में पूजा पाठ सब हो गया था, हालांकि टंकी में पानी कम था तो फटाफट जल्दी जल्दी एकदम सुबह सुबह ही नहा लिए ताकि और भी दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो देखिए, मेरे यहाँ ये 10 बजे से काम शुरू हो गया था। 10 बजे 3 मिस्त्री लोग आया हुआ था। ये खड़ा होकर देखो, बनियान और कमीज। तो पहले तो जो चापानल है उसका सारा मतलब पार्ट पुर्जा खोला है, उसके बाद फिर बोरिंग मरा है, उसको फिर निकाला है मोटर का। निमंत्रण है, फिर उसके बाद सब्जी उब्जी काट लिए थे, फिर आ गए थे खाना बनाने। उधर मिस्त्री भी लगा हुआ था और इधर खाना भी बनाने आ गए थे। तो आप लोग से पहले ही आज कर रहे हैं कि अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि अच्छा लगता है या नहीं लगता है, ये भी आप बताइएगा ताकि हमको समझ में आए। और क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है ये भी अगर कमेंट करके बताते हैं तो फिर मेरे लिए बहुत ही मतलब फायदेमंद रहेगा। तो ये सारा पाइप निकल गया था और ये फिर बगल में अभी उसके अनुसार ही चल रहा है, वो पंडाल तैयार किया था। तो आज भी मतलब खाना पीना का इसे है। तो देखिए, सारा पाइप निकाल के फिर क्या क्या टूटा हुआ था, क्या खराब हो गया था, यही सब मिस्त्री लोग को तो एक काम बनाएगा दूसरा काम भी उन लोग बिगाड़ ही देगा, लेकिन क्या किया जाए, काम करवाना है तो फिर तो मिस्त्री के बगैर होगा भी नहीं। तो दिन भर आज मेरा इधर ही लग गया था। और खाना पीना में भी कुछ ऐसा विशेष नहीं किए कि हाँ कुछ विशेष करें, क्योंकि दिन भर तो उधर ही खड़े रह गए, फिर शाम को इधर जाना था तो खाना पीना कुछ बनाए नहीं। तो देखिए, मिस्त्री लोग सारा काम करके गया, उसके बाद देखिए सारा कचरा यहाँ से लेके वहाँ तक 3-4 बाल्टी सब कर दिया, पूरा यहाँ से वहाँ तक गंदा हो गया। तो सबको अब साफ सफाई मिला के पहले तो सबको झाड़ू लगाए व्यवस्थित करके, और उसके बाद फिर झाड़ू लगा के फिर सामने में धो दिए, क्योंकि सब मतलब मिट्टी मिट्टी पूरा हो गया था, काला काला मिट्टी मिट्टी जैसा हो गया था, तो जिसके कारण सबको धोना पड़ा। तो आज बस यही काम किए हैं और उसके बाद फिर बगल में जो उसके यहाँ लगन था तो उसके यहाँ भी बेचारा का तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि आने वाला था सो कहीं जाम में फंस गया। तो 7 बजे का हम लोग को बुलाटा था तो बुलाए, 7 बजे गए तो वहाँ लगन चढ़ाने के लिए आया, कितने बजे 11:30 में। लेकिन चलिए, जो हुआ अच्छा हुआ। तो वहाँ लगन का भी कुछ कुछ क्लिप डाल दिए हैं और आप लोग देखिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप लोग जरूर कमेंट्स तो जरूर कीजिए कि हाँ आपका ब्लॉग नहीं अच्छा लगता है, क्यों देखें। और अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। ये फिर चापानल पे चले गए थे धोने के लिए, वहाँ भी पूरा मतलब पूरा प्लास्टर किया हुआ है ना, उसको सब तोड़ के फिर अलग अलग किया, उसके बाद निकाला है, फिर उसको व्यवस्थित किया है। यही सब काम में आज दिन भर व्यस्त रह गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। हेलो,
इवनिंग आप सबका आपके अपने किचन में स्वागत है। आज है दिन 10 तक तो आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो मेरा 3-4 दिन से जो मोटर का प्रॉब्लम था तो आज दिन भर लगाया, फाइनली मोटर और चापानल जो है उसको ठीक करने में, तो उसको ठीक करने में 3 मिस्त्री आया, तीनों दिन भर लगाया है। तो सब कचरा हो गया था यहाँ वहाँ, पूरा सारा पाइप निकाला नीचे से, फिर काम तो बढ़ ही जाता है तो सारा निकाला। उसके बाद फिर ये टूट गया है तो ये खराब हो गया है तो ये लाइए तो वो लाइए फलना ढकना। खैर हम मार्केट तो नहीं गए, खुद से ही लेके आया सब सामान और लेके आया, उसके बाद अपना जो भी चेंज करना था किया। लेकिन उन लोग तो चला गया है, टंकी में पानी चला है, तो दिन भर आज उधर ही बिजी रहे और कुछ विशेष तो कर नहीं पाए, दिन भर बिजी रहे उधर ही। तो फाइनली आ जाकर चापा नल भी ठीक हुआ है, चूँकि उसका हैंडल से जब भी चलाते थे तो मतलब छोड़ देता था फटाक से, हिलाते रहिए हैंडल पानी नहीं निकलेगा, तो वो प्रॉब्लम था बहुत दिन से था। तो एक आध मिस्त्री को बोले थे तो बोला था कि इसे उसको पूरा खोलना पड़ेगा तभी ठीक होगा, ऐसा नहीं ठीक होगा। तो मतलब ठीक ही है भाई, अब एक चीज़ के लिए तो नहीं खुलवा सकते हैं, और बोरिंग जो है चापाकल का और मोटर का दोनों एक ही है, तो एक खुलेगा तो दूसरा भी खुलेगा, तो ज़्यादा लफड़ा था। तो ऐसा हुआ कि मोटर से ही पानी छोड़ दिया, तो जिसके चलते खोलना हुआ तो हम बोले कि चलो उसको भी काम साथ में ही निपटा दो, तो उसका भी काम किया। तो सुबह में 10 बजे से आया है और सब यहाँ से 4 बजे गया, काम तो हो जाता है। और उसके साथ साथ आप भी रहिए लगे, तो वहीं थे देख रहे थे कुछ है, थोड़ा सा तेल दीजिए तो थोड़ा सा ये दीजिए वो दीजिए, यही सब करने में लगे हुए थे। और आज हमारे बगल में उसके यहाँ आज लगन है, तो शाम को फिर हम लोगों को जाना है। बताए थे कि अभी ये 10 दिन हम लोगों का मोहल्ला में रौनक है, शादी का मौसम है इसलिए फुल रौनक है। तो चलिए देखते हैं फिर शाम को, अभी तो फिलहाल जा रहे हैं, 5:30 हो गया है, होने जा रहा मतलब चाय बनाना, उनके लिए चाय बनाते हैं। फिर ये नहीं रहते हैं तो हम चाय बनाते भी नहीं हैं, कौन चाय पिए, एक तो गर्मी का मौसम है, लेकिन इनको चाहिए तो बनाते हैं। चलिए तो ये है, शाम को तैयार होके जा रहे थे तो सोचे एक सामने से उसका घर का ले लेते हैं, बस एकदम बगल में ही है। तो ये लड़का बैठा हुआ है जो दूल्हा होगा, और ये दूल्हा का साला, इसी को आने में देरी हो गया था, उन लोगों का गाड़ी कहीं जाम में फंस गया था जिसके चलते आने में देर हो गया। तो ये पहले इन लोगों का पता नहीं लगन चढ़ाया जाता है, उसके बाद अब उसके बाद सब एक बार फिर आशीर्वाद ही कर रहे हैं लोग।
की बख्शिश से होता है ना, हम लोग आशीर्वादी करता है। ये पूजा हुआ है। सब लोग आकर लड़के को टीका लगाते हैं, सबसे आशीर्वाद करते हैं। ये है इन लोगों का कुछ रीति रिवाज, हम लोगों का कुछ अलग होता है। इस तरह से इन लोगों का रिवाज होता है। और ये सब आसपास के लोग, इनके घर के फैमिली सब लोग बैठे हैं। ग्रीन साड़ी वाले लड़के की वो चाची जो भी जल ढारने के लिए आई, बोला जाता है कि जल नहीं उसके ढाला जाता है। यही है शादी ब्याह का कुछ कुछ रिचुअल। और अपना तो सबका पता ही होता है, लेकिन दूसरे का कुछ कुछ अलग होता है तो फिर थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है। यहाँ चलो कुछ अलग है। तो ये उठ के अब चला गया अपना जहाँ पर भगवान जी, वहाँ सामान को रखेगा, प्रणाम करेगा। अब चलिए पार्टी में। अब यहाँ लीजिए पार्टी तैयार है, सभी लोग खाना खाइए। तो सारे मोहल्ले वाले लोग हैं और बाराती पार्टी जो आया था लगन चढ़ाने के लिए।